Hello everyone, welcome to an academy. A very good evening to all of you. How are you? कैसे हो आप सब? Hi Jayaprakash, Adarsh, welcome in my class. So guys, a very good evening to all of you. आज की क्लास है आर्ट एंड कल्चर की. ऑलरेडी हम सिक्स लेसन इस आर्ट एंड कल्चर पर कर चुके हैं. आज हम सेवेंथ लेसन देखेंगे जिसमें जितने भी टॉपिक ये हैं या करंट अफेयर में जो टॉपिक आए हैं उन सब से रिलेटेड हम इस क्लास में एमसीक्यू देखेंगे. ओके, सारे एमसीक्यू जो है हम इस क्लास में कवर अप करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपकी भी इस क्लास से प्रैक्टिस वैसे हो जाएगी. नाइसली, फर्स्टली मेक योर प्रेजेंस इन द कमेंट बॉक्स. बता दीजिए दैट यू आर प्रेजेंट हियर. आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? अगर आपको एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन यूज स्टडी आई एस कोड एंड गेट 10% ऑफ. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन यूज दिस नंबर. ओके, सो हम जस्ट एक मिनट का वेट करते हैं. लेट अदर कनेक्ट विद अस. सभी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के सभी एमसीक्यू देखेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं उसके बाद जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे. ओके, वेलकम नील गाइस. स्टडी आई चैनल पर इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है. गो एंड चेक दैट. उस क्लास को देखिए, प्रीलिम्स बिल्कुल पास आ गया है अब तो. और आप पूरी क्लास को देखिए, वन ईयर का जो करंट अफेयर है वो सारा इसमें कवर अप इस पूरी प्लेलिस्ट में हो गया है. गुड इवनिंग नील एंड वेलकम दर्पण. सो जस्ट वेट ए मिनट, लेट ऑल कनेक्ट विद अस. हम सब कनेक्ट सारे स्टूडेंट हमारे साथ हो जाएं फिर हम स्टार्ट कर लेंगे. ओके, सो गाइस प्लेलिस्ट बन चुकी है. 1 PM जो क्लास चलती है वो चलती है करंट अफेयर की, जिसमें हम लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर देखते हैं. और 5 PM ये क्लास होती है आर्ट एंड कल्चर की. आज किसी वजह से 6 PM थी ये क्लास. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. फर्स्ट क्वेश्चन है, बहदियन कलाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. ये एक फेस्टिवल है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में या आंध्र प्रदेश में? कौन से स्टेट में ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है? Am I audible and visible to all of you? Good evening, Megha. So, ये first ही question है, आप continue कीजिए. चलिए मैं इसको mark कर लेती हूँ. Let आप सभी इसको answer कीजिए question को. Megha, Neil, Jayaprakash, answer it. Good evening, Rahul. How are you? ओके, चलिए आप आंसर कीजिए. ओके, इस आंसर इज बी. दर्पण इज राइट. मेघालय जो है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो, वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बहदियन कलाम फेस्टिवल. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मधुबनी पेंटिंग्स. मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आप सबने सुना है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है और आपको राइट कोट बताना है. इट इज ऑल्सो नोन एज मिथिला. इसको मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार. मधुबनी मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी. गोडना, कोहबार, भरानी और कचनी आर द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ द मधुबनी पेंटिंग. रिसेंटली इट हैज बीन गिवन अ GI टैग. राइट कोड बताइए 1 3 2 3 4 1 2 3 या ऑल आर ट्रू. मेघा आंसर इट.
आंसर कीजिए। दर्पण से दार डी। ओके मेघा और राहुल, गुड इवनिंग राम कुमार। ये क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करो। मधुबनी पेंटिंग के बारे में है और ये सारी स्टेटमेंट है, आंसर कीजिए। वेलकम रंजीत, यू आर सेइंग दैट सी। ओके दर्पण नो मोर इन्फॉर्मेशन। आई नो कि आपने क्लासेस देखी है, लेकिन इससे दूसरे स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाएंगे और आपके ही कमेंट पर ध्यान देंगे। सो आंसर क्लियर होने के बाद बेशक आप बोल सकते हैं। सो इस आंसर इज डी, ओला ट्रू। रंजीत, हमने इसको किया था कवर, इस टॉपिक को, मधुबनी पेंटिंग को। इसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके इसीलिए ये चारों स्टेटमेंट ओके हो जाएंगी। मधुबनी पेंटिंग का मधु, मधु से क्या याद करोगे कि इसमें फॉरेस्ट ऑफ हनी है, और ये सारी जो स्टाइल्स होते हैं वो इस पेंटिंग में यूज करे जाते हैं, और इसको अभी जो है जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करने हैं। इधर है फोक डांस, देन आते हैं सेठ, इनको मैच करिए। कराकटम, टकला, मिश्रा रास, ममिता। इधर है गुजरात, त्रिपुरा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये सारे डांस हैं गाइज, और उन इनको कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ये सारे सेट हैं। मैच द फॉलोइंग करिए, बताइए विच इज द राइट वन। गाइज आप सभी पॉल्स में आंसर कर रहे हो ना। यू आर सेइंग सी। ओके मीन्स थर्ड वन। नील ऑल्सो से सी। यस रंजीत, मेघा और राम कुमार आंसर इट। सो इस आंसर इज सी, यू आर ऑल राइट। कराकटम है जो तमिलनाडु में ही होता है, ये तमिलनाडु का फोक डांस है। जो टाकला है दैट इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। मिश्रा रास है दैट इज ऑफ गुजरात, एंड द ममिता है वो है त्रिपुरा का। सो इनकी लोकेशन याद रखना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके नहीं वो एक अच्छा मेथड है, अगर वैसे नहीं पता तो एलिमिनेशन से करना, दैट इज अ गुड वन। यस मेगा सी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कराकोटम फोक डांस। कराकोटम जो फोक डांस अभी हमने किया, उसी के बारे में आपको राइट स्टेटमेंट बतानी है। दिस डांस इज परफॉर्म इन प्रेज ऑफ रेन गॉडेस मरियामन। द परफॉर्मर बैलेंस द वॉटर पॉट ऑन देयर हेड एंड देन डांस। शक्ति करागम अ पार्ट ऑफ इट परफॉर्म ओनली इन टेम्पल्स, एंड द लास्ट वन इज ऑल द अबव, विच इज द राइट वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग कराकटम फोक डांस। राइट स्टेटमेंट बताइए। ओके यू आर सेइंग सी और डी। चलिए कराकटम फोक डांस आप सब बोल रहे हो कि सी है या डी है। चलिए ओके डी है, राइट। सो इस आंसर इज डी। इसके तीनों स्टेटमेंट ठीक है। शक्ति कराकम भी इसका एक हिस्सा है, जो कि सिर्फ टेम्पल्स में ही इसको जो है डांस को परफॉर्म वहाँ पे किया जाता है। वेलकम प्रभा। प्रभा इज इट योर फर्स्ट क्लास?
ये जो रेन गॉडेस होते हैं मरियम्मन, उनके सामने उनको पूजा करने के लिए, उनको ये वर्शिप करने के लिए डांस परफॉर्म किया जाता है, और सर पे पानी का भरा हुआ एक मटका रख के और फिर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थंजावुर पेंटिंग। थंजावुर पेंटिंग के बारे में विद रॉन्ग पेंटिंग रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको बतानी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। बोल ड्राइंग शेडिंग टेक्निक प्रीशियस स्टोन्स एंड द ग्लास पीसीज आर यूज इन इट। सिल्वर इज एक्सटेंसिवली यूज इन द थंजावुर पेंटिंग टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। दीज पेंटिंग्स ऑल्सो ग्रांटेड द GI टैग। हाय प्रीतम। सो प्रभा, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम अंकिता जिंदल है और ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास है। डेली 5 PM होती है, पर आज 6 PM हमने ली है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। इससे पहले ये पूरी सीरीज है और चढ़िया आइस पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। आप वहाँ जाके इस पूरे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स को करो, जिसमें लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर ऐड है, ओके। और जिसमें हमने सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक जो 1 ईयर में आए हैं उनको सबको कवर अच्छे से किया है। आज हम इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, ओके। गोल्ड इज यूज्ड। चलिए, सो यस दर्पण, यू आर राइट, गोल्ड इज यूज। नहीं, बी बी नहीं होगा, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर जो है गोल्ड यूज किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज बाय द मध्य प्रदेश एट खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स में जो है ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा गया था बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। विच इज ट्रू अबाउट इट, तो उसके बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज ए ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। दिस टेम्पल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन इंडिया। द मेन टेम्पल इज सराउंडेड बाई द 4 टेम्पल एट ईच कॉर्नर इज नोन एज अ पंच यतन एंड द लास्ट वन इज ओला ट्रू। सो आंसर कीजिए, खजुराहो टेम्पल के बारे में ये क्वेश्चन है। यस दर्पण, आई मार्केट। प्रभा, मेगा आंसर इट, ओके। डी, हमने खजुराहो टेम्पल और फेस्टिवल दोनों के बारे में पढ़ा था, यू रिमेम्बर ना, आप सबको याद तो है। चलिए, सो इट्स आंसर इज डी, डी इज इट्स आंसर। ये जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट का मतलब है कि थोड़े काफी सारे जो मॉन्यूमेंट है, टेम्पल्स हैं, वो इस खजुराहो के आसपास हैं एमपी में। और हिंदू और जैन दोनों ही तरीके के टेम्पल यहाँ पर आपको मिलेंगे। यूनेस्को के WHS वाले जो साइट है उसमें भी इंक्लूडेड है। और इसमें क्या होता है कि जो मेन टेम्पल यानी कि जिसमें मुख्य देवी बैठे होते हैं उसको 4 दूसरे टेम्पल कवर करते हैं, जिसको पंच यतन बोलते हैं, ओके। दैट्स व्हाई ऑल द स्टेटमेंट गिवन अबव आर ट्रू। रिसेंटली वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर वाज इन न्यूज, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर अभी न्यूज में था, आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। गाइस, हमेशा हमेशा क्वेश्चन में ऐसे क्या करना, जब भी आप यूपी अभी 4th ऑफ अक्टूबर का क्वेश्चन देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन ने पूछा है, राइट रॉन्ग वट एवर दे आर, जस्ट मार्क दैट उन्होंने जो भी पूछा है तो उसको पहले हाईलाइट कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन करते टाइम आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ओके। यूनेस्को डिक्लेयर्ड रियो डी जेनेरियो एज अ फर्स्ट वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर। इट विल होल्ड ए सीरीज ऑफ इवेंट अंडर द थीम ऑल द वर्ल्ड जस्ट वन वर्ल्ड। यूनेस्को ऑल्सो होस्ट द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट एवरी 3 ईयर्स एंड द लास्ट वन इज ओला ट्रू। सो आंसर कीजिए, राइट स्टेटमेंट यू हैव टू टेल। गाइज, यू कैन शेयर दिस ऑल दीज माई क्लासेस टू योर टेलीग्राम चैनल, टू योर कनेक्शन। आप अपने कनेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, ओके। कोई अगर टेलीग्राम पे UPSC ग्रुप में आप ऐड हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं।
Me say that B is the right one. Okay. Okay, Ranjit. Darpan, Megha, answer it. Okay, Prabha. सिर्फ तीन ही स्टूडेंट ने आंसर किया है, आप सब आंसर कीजिए ना. मेगा सेड दैट बी. ओके चल, सो इस आंसर इज डी. चार तीनों स्टेटमेंट ठीक है. वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर, ये यूनेस्को ने अभी जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें रियो डे जेनेरियो ये जो एरिया है उसको पहली वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर डिक्लेयर करा था. पहली बार ही ये ऐसा कोई प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ है. ये शशांक, डी इज द राइट आंसर. इसमें काफी सारे इवेंट होंगे हुए थे, जिसका थीम क्या था, ऑल द वर्ल्ड जस्ट वन वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड एक ही वर्ल्ड है. यूनेस्को ऑल्सो होस्ट द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट एवरी 3 ईयर, और IUA जो है इसको भी यूनेस्को कंडक्ट करता है, जो कि हर तीसरे साल होता है, हर 3 साल में होता है. दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 37th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विच इज अ रॉन्ग वन. आप 37th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, कौन सी है, क्या है, उसके बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. आर्किटेक्चर ऑफ विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंजेम्बल्स ऑफ मुंबई हैज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को WHS. विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंजेम्बल्स ऑफ मुंबई इज अ सेकेंड साइट फ्रॉम द मुंबई आफ्टर द एलिफेंटा केव्स ऑफ मुंबई. इंडिया स्टैंड सेकेंड आफ्टर द चाइना इन एशिया पैसिफिक रीजन. एंड द लास्ट वन इज, नाउ इंडिया हैज टोटल 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड स्टैंड एट द 6th पोजिशन इन द वर्ल्ड. बताइए Which is a wrong one? You have to tell the wrong statement in this question. Okay, Shashank say that C. Prabha, Megha, Darpan, Ranjit. मेगा से दिस डी. दर्पण से बी. ओके इसमें आप सब लोग कंफ्यूज हैं. दर्पण, आप सबके आंसर ठीक करवा दोगे. ओके यू आर सेइंग सी एंड बी. चलिए, सो रंजीत एंड दर्पण, यू आर ऑल राइट. आप दोनों ठीक हैं, क्योंकि ये सेकेंड नहीं, थर्ड साइट है. आफ्टर द छत्रपति भी थी, एलिफेंटा केव्स और छत्रपति, इन दोनों के बाद आई थी विक्टोरियन आर्ट डेको एंजेमल. और महाराष्ट्र में जो है, इंडिया के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. 5 और 6 कुछ ऐसे ही हैं. बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है. दीपक, नहीं सी नहीं होगा. इंडिया जो है चाइना के बाद ही आता है इन द एशिया पैसिफिक रीजन, और टोटल इंडिया में 37 है, और इंडिया की जो पोजीशन है अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो वो है 6th पोजीशन. ओके चलिए, नेक्स्ट है. रिसेंटली रत्न ओझा पास्ड अवे. ही वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट. ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द नाटा सूर्या अवार्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ही इज ऑफ विच स्टेट. वो किस स्टेट से थे, किस स्टेट से वो बिलोंग करते थे. मेघालय से, असम से, नागालैंड से या वेस्ट बंगाल से. आप सबने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो पता होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं. देखिए आपको कितनी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक, इस स्टेटमेंट में मिली है, कि एक तो वो थिएटर आर्टिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे यानी कि सोशल एक्टिविस्ट थे, नाट्य सूर्य अवार्ड भी उनको रिसेंटली मिला था बाय द स्टेट गवर्नमेंट,
तो अभी आप बताइए कि वो किस स्टेट से थे। 2019 में उनका काफी नाम भी आया था, वो जो है न्यूज में भी थे, बिकॉज ही वॉज एन एक्टिविस्ट, दैट्स वाई वो न्यूज में भी थे। संजय से डाटेड इज फ्रॉम ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शशांक ऑल्सो से वेस्ट बंगाल। चलिए देखते हैं। दीपक, रंजीत, ओके, अनुश्री, वेलकम। यू ऑल गाइस मस्ट आंसर, आप सबको आंसर करना है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रंजीत, दीपक, यू आर सेइंग बी, ओके। चलिए, सो इट्स आंसर इज बी, वो असम से ही थे। रत्न ओझा जो थे थिएटर आर्टिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, और जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके खिलाफ ये खड़े हुए थे। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिवाइविंग द थिएटर प्ले मूवमेंट ऑफ द स्टेट। उनके यहाँ जो थिएटर चलता है जिसके वो आर्टिस्ट थे, उसको रिवाइव करने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ था और एक अच्छा ग्रेट रोल उन्होंने जो है दिखाया, यहाँ पे प्ले किया। ही वॉज पार्टिसिपेटेड एंड एड्रेस डेमोन्स्ट्रेशन इन द सोशल इशूज ऑफ द कंट्री, और इनको नाट्य सूर्य अवार्ड भी मिला था बाय द असम गवर्नमेंट। वेटरन थिएटर आर्टिस्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट ऑफ असम थे। ओके, इन विच स्टेट माधवपुर मेला फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज, किस स्टेट में माधवपुर जो मेला है, फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, एमपी या हरियाणा? सो माधवपुर मेला, हमने इसको रीड आउट किया है और इसका बारे में भी काफी अच्छी बातें हुई थी, वो बताइए किस स्टेट में ये है। हेलो जीतुल, जीतुल क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दीपक से डॉट ए, ओके। सो शशांक बी, चलिए। माधवपुर मेला, ये सारे फेस्टिवल, पेंटिंग, थिएटर और कोई मार्शल आर्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। जीआई टैग की तो हमने ट्रिक से भी याद की हुई है, एक अलग से क्लास है। जो स्टूडेंट नई है उनको मैं बता दूं कि आप सभी आईएएस के चैनल पर जाएंगे, वीडियोस को स्क्रॉल करेंगे तो जीआई टैग की क्लास आपको मिलेगी जिसपे हमने इस साल के सारे जीआई टैग को ट्रिक से याद करा है। बी गुजरात, ओके राइट, तो आप वो क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। यस बी है, और ये वीक लॉन्ग कल्चरल फेस्टिवल है। वीक लॉन्ग मतलब सप्ताह भर ये चला था। माधवपुर एक जगह है, विलेज है, वहाँ पर अप्रैल में इसको सेलिब्रेट करा गया था। जब रामनवमी आती है, रामनवमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, उसी के बाद इसको किया जाता है। और इस साल नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट हैं उन्होंने भी इस फेस्टिवल में पार्ट लिया था। नहीं रमेश, बी इज द राइट आंसर। चलिए, इस बारे में आप सब ठीक थे और आप सबने अच्छा आंसर किया, थैंक यू सो मच। पेयर से कुछ उनको मैच आपने करना है। केज है, लोकेशन है, केज है कान्हेरी केज, पांडव केज, बुधेर केज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। गाइज, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, अगर आपको कोई क्लास नहीं मिलती है तो वहां पर आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इज अन अकेडमी अंकिता जिंदल, ओके। यहाँ पे आप चैनल और ग्रुप दोनों ही ज्वाइन कर लेना ताकि आप कुछ को क्वेरी हो तो आप पूछ सकें। पोल्स वहाँ पे क्रिएट करे जाते हैं, उनको आप आंसर कर सकें। और कोई अगर वीडियो का लिंक आपको नहीं मिलता देन यू कैन फाउंड देयर। इसका आंसर कीजिए इतना, सी और ए, ओके, सी एंड देन ए। केज विद देयर लोकेशन मैच देम,
अनुषी, रंजीत, दर्पण। चलिए इस आंसर इज डी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसको आप अच्छे से कर लो कि जो कानेरी केस है, कानेरी जो केस है वो महाराष्ट्र में है, और जो पांडव की केव्स वो मिलेंगी, पांडवों की केव्स कहाँ मिलेंगी, मध्य प्रदेश में, और बुधेर की केव्स कहाँ मिलेंगी, उत्तराखंड। ओके, बुधेर तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बुद्धिज्म ज्यादातर नेपाल में है, तो नेपाल के पास क्या है, उत्तराखंड है, तो बुधेर केव्स उत्तराखंड में मिलेगी। पांडव कहाँ रहते थे, बहुत ज्यादा गर्मी में वो रहते थे, कहाँ मतलब सेंटर ऑफ इंडिया में, यानी कि मध्य प्रदेश में। कान्हा, कन्हेरी से आप कुछ कान्हा का याद कर लो, जैसे कान्हा के रोल कहाँ प्ले होते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई थिएटर है, मुंबई है जो, वहाँ पे काफी सारे रोल कान्हा के प्ले होते हैं, तो महाराष्ट्र। कुछ ऐसे ही याद कर लीजिए, बस एक सिंपल सी ट्रिक है और कुछ नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट आर लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कौन सी साइट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, नालंदा महाविहार, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये तीनों है। सो करेक्ट ऑप्शन बताइए, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या वन टू एंड थ्री। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तीनों में से कौन सी जो साइट है वो ऐड है। अगर तीनों राइट है अनुश्री तो डी होगा, वन टू थ्री ना, अगर तीनों राइट है तो डी होगा। ओके शशांक एंड रंजीत, दीपक, दर्पण, आंसर 8 मेगा। नालंदा महाविहार, कंचनजंगा एंड देन ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, विच इज द राइट वन। पांडव केस मध्य प्रदेश में ही है, में भी नहीं, में ही। हमने एक मिनट में इसको ना रिमूव कर देती हूँ। कानेरी केस है महाराष्ट्र में अनुश्री, पांडव केस है मध्य प्रदेश में, और बुधेर केस है उत्तराखंड में। ओके, सो पांडव मध्य में ही है। हेलो शरद, एक्चुअली इस लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, इज वर्परिंग, जस्ट वेट। जस्ट वेट गाइज, एक्चुअली ये ना लैपटॉप कुछ इश्यू चल रहा है 2-3 दिनों से, ये बफरिंग हो जाती है ऐसे ही, पता नहीं कब ठीक होगा। हाय शरद, हाँ भाई, यू गाइस, आई एम ऑडिबल टू यू। देखो अनुश्री, पांडव केस हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट है। ओके, इसका आंसर डी ही होगा, डी इज द राइट आंसर। ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल में है, और ये यूनेस्को की लिस्ट में 2014 में ऐड हुई थी। नालंदा महाविहार है वो बिहार में है, और 2016 में ये ऐड हुई थी।
कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये सिक्किम में है और ये 2016 में ऐड हुई थी. ओके नेक्स्ट है, थोड़ा सा एंशियंट है ये क्वेश्चन. हाजी इब्राहिम सरहिंदी वॉज नोन एज अ पर्शियन राइटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर वॉज ट्रांसलेटेड द विच संस्कृत वर्क इन द पर्शियन लैंग्वेज. उन्होंने किस संस्कृत वर्क को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, वो चीज हमने बतानी है. रामायण, महाभारत, अथर्ववेद और ऋग्वेद. सो हाजी इब्राहिम सरहिंदी एक पर्शियन राइटर थे जिन्होंने अकबर के टाइम पे जिन्होंने किस संस्कृत वर्क को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट उन्होंने कर दिया था, तो वो बताइए विच संस्कृत वर्क वॉज दैट. रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और अथर्ववेद. शरद, अनुश्री, दीपक, रंजीत, मेघा, शशांक, रमेश, आंसर इट. ओके यू आर सेइंग बी और सी. थोड़ा सा ये मतलब एंशियंट इंडिया से, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है. ये सनुश्री तीनों है. मेगा सी आप कह रहे हो. ओके चलिए, सो इस आंसर इज सी. रामायण को ही जो है सॉरी अथर्ववेद को ही जो है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने कन्वर्ट किया था इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, पहले ही संस्कृत में थी. रामायण वॉज ट्रांसलेटेड बाय द मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी बदायूनी, अथर्ववेद बाय द हाजी इब्राहिम सरहिंदी. पंचतंत्र भी एक संस्कृत वर्क था जिसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया बाय द मौलाना हुसैन फैजी और उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, यार ए दिनेश. उसका नाम रखा गया यार ए दिनेश. अबुल एक फैजल हैं, अकबर के वजीर थे ये और अकबर नामा के ऑथर भी हैं. उन्होंने पंचतंत्र को पैशन में, उन्होंने भी पंचतंत्र को पैशन में कन्वर्ट किया और उसका नाम क्या दिया, अनवर ए सिद्धार्थ, अनवर ए सिद्धार्थ. तो आपके लिए पंचतंत्र और रामायण को याद रखना अलग से इम्पोर्टेंट है, वो याद हो जाएगा ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. रिसेंटली यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द टाइटन म्यूजियम. टाइटन वाला म्यूजियम जो है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है इन बागरू दैट शोकेस द चिप्पा कम्युनिटी प्रिंटिंग. कंसीडर द रोंग स्टेटमेंट अबाउट इट. सो यू हैव टू टेल द रोंग वन. ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग विद द नेचुरल कलर इन द बागरू विलेज ऑफ राजस्थान. द प्रिंटिंग प्रिंटेड मोटिव इंक्लूड वाइट फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड प्रिंटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न. रेड एंड व्हाइट कलर इज यूज इन दिस पेंटिंग एंड द लास्ट वन इज ऑल आर ट्रू. अभी न्यूज सी, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने टाइटन वाला म्यूजियम को इनोग्रेट करा था बागरू में और वहाँ पे चिप्पा जो कम्युनिटी है उनके द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग्स होती हैं, प्रिंटिंग जो होती है उसको दिखाया जाएगा. सो आपको उसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. ओके यू आर सेइंग डी, यानी कि चारों गलत है, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं. रंजीत, मेघा, अनुषी, आंसर इट. गाइज यू कैन शेयर दिस वीडियो और द लिंक ऑफ द वीडियो इन योर टेलीग्राम चैनल. आप अगर किसी टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हैं सो आप उन वहाँ पर शेयर कर सकते हैं. ओके सो उसी सभी स्टूडेंट्स क्लास में ऐड हो जाया करेंगे. आंसर कीजिए रंजीत, मेघा, अनुश्री, शरद. इस आंसर इज सी, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट गलत है इसमें. नहीं दीपक, हमने इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है तो तीनों स्टेटमेंट तो गलत नहीं होंगी. यस रंजीत, सी इज द राइट आंसर. ओके दर्पण. सो ये बागरू ब्लॉक पेंटिंग होती है.
जिसमें चिपा कम्युनिटी होती है वो इस पेंटिंग को बनाते हैं, और उसी पेंटिंग को टाइटन वाला म्यूजियम में दिखाया जाएगा। ये पूरा टॉपिक हमने क्लास में कवर किया हुआ है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ द पेंटिंग विद नेचुरल कलर। नेचुरल कलर इसमें यूज करे जाते हैं। राजस्थान में है ये बागरू विलेज। ट्रेडिशनली मोटिव प्रिंटेड एट द बागरू आर द लार्ज विद द बोर्ड लाइन, एंड की बोर्ड लाइन का यूज इसमें किया जाता था, और अलग अलग तरीके की डिजाइन जो है वो इसमें बनाए जाते थे। वाइल्ड फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स वगैरह, या प्रिंटेड जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, लाइक आप देख रहे हो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न प्रिंट में है और इसको ही यहाँ पे आगे ये प्रिंट करते जा रहे हैं। सो इसी तरीके से इसमें किया जाता था। हाँ जी, सो लास्ट वन ईयर है ना ये, दैट्स व्हाई। बनी थनी अ फेमस पेंटिंग इज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये एक पेंटिंग है, काफी फेमस पेंटिंग पेंटिंग है ये बनी थनी। ये किस स्टाइल में बनी हुई है, यानी कि पेंटिंग के जो स्टाइल्स होते हैं उसमें से किसकी ये है, किशनगढ़, फड़, राजपूत या नवाबै? किशनगढ़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग, राजपूत या फिर नवाबै? ओके, यू आर सेइंग कि चलिए रमेश मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। दीपक करपन, मेघा अनुषी, आंसर इट। सो इट्स राइट आंसर इज ए, किशनगढ़। किशनगढ़ जो पेंटिंग होती है वहीं की ये फेमस पेंटिंग है, और इसी स्टाइल में ये जो बनी थनी पेंटिंग है वो बनी हुई है। ओके, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में या बिहार में? हाय आरती, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? यस, उसका आंसर अनुश्री किशनगढ़ का। किशनगढ़ पेंटिंग की ही वो स्टाइल है बनी थनी। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आंसर कीजिए। ओके, ए। चलिए, सो इट्स राइट आंसर इज ए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में, वहीं पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। दैट वॉज बिगेन एट द पुलिकट बर्ड सेंचुरी। इससे आपको पता चला कि पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, और वहीं पर ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट हर साल किया जाता है, ताकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हों, और जो डिपार्टमेंट है वो इस लेक को कैसे कंजर्व करा जाए, प्रिजर्व करा जाए, उन सब के बारे में भी बताएं। ओके, हर साल इस लेक पर करीबन जो है 15,000 ग्रेटर फ्लेमिंगो आते हैं, पेलिकन्स आते हैं, किंगफिशर्स आते हैं, ये सारे बर्ड की डाइवर्सिटी है। हीरोन्स आते हैं, पेंटेड स्टॉक्स आते हैं, स्पून बिल्स आते हैं, और डक्स, यानी कि करीबन इतने सारे जो पक्षी हैं वो आपको इस पुलिकट लेक में देखने को मिलेंगे। ओके, ये आंध्र प्रदेश। गुड इवनिंग आरती। द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड वॉज प्रीज बाय द फॉलोइंग हुम। ये डॉक्ट्रिन किसने दिया था, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर द मैनकाइंड? सो ज्योतिबा फुले ने, विवेकानंदा ने, श्री नारायण गुरु ने, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? सो बताइए ये किसके उपदेश थे। ज्योतिबा फुले, विवेकानंदा, श्री नारायण गुरु या फिर बी आर अम्बेडकर? ओके, यू आर सेइंग सी। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। आरती सी दैट इट इज बी।
वन रिलीजन यानी कि एक ही धर्म, एक ही कास्ट और एक ही भगवान होते हैं फॉर द मैनकाइंड के लिए। ओके साउथ इंडिया, यस यू आर राइट, सो सी इज द राइट आंसर। श्री नारायण गुरु ने ही इस डॉक्ट्रिन को प्रीच करा था। आरती यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि श्री नारायण गुरु थे जिन्होंने कहा था कि एक कास्ट, एक धर्म और एक भगवान होने चाहिए, होते हैं। इट्स वर्थ नॉट दैट वन ऑफ हिज एथीस्ट डिसिपल है ये साधारण अयपन चेंज इन टू नो रिलीजन। उसके बाद नारायण गुरु ने ये दिया, उसके बाद साधारण एक अयपन आए, उन्होंने इसको चेंज कर दिया कि कोई धर्म नहीं, कोई कास्ट नहीं और कोई भगवान नहीं होते हैं फॉर द मैनकाइंड। सो ये कन्वर्ट या चेंज जो है बाद में हो गया था बाय द साधारण अयपन। यस सी इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ किताब और रहला, एक ये बुक है उसके ऑथर आपको बताने हैं। किताब और रहला, मौलाना शरफुद्दीन अली याजिद, अमीर तिमूर, इबन ए बतूता, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। सो किस उसके ऑथर कौन है? ये क्वेश्चन गाइस पीसीएस में तो बहुत आते हैं, पीसीएस में ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर बुक के राइटर ऑथर कौन है। रंजीत एंड दर्पण, यू आर सेइंग सी। गाइस सच्ची बताना, ये नाम आपको पता है या बस सुना है? तो आई मीन आप लोग बोल रहे हो, क्योंकि ये काफी बार आता रहता है। ओके मोरक्कन ट्रैवलर, नो इश्यू अनुश्री। चलिए सो इट्स राइट आंसर। ही वाज एन अरब ट्रैवलर थे, लेकिन वो मोरक्को से भी आए थे, आई मीन एडवेंचरर थे वहां से। हिज बुक इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री और द रीजन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है तो उन्हीं की बुक है ये, जो इबन ए बतूता है उन्हीं की बुक पहला सोर्स है। इट थ्रो लाइट ऑन द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इसराइल, उनके टाइम पे क्या कंडीशन हुआ करती थी और सोशियो पॉलिटिकल क्या कंडीशन थी, वो सब पर ही थोड़ी सी नज़र लाइट जो है वो डालते हैं। गाइस ये लाइन की आप तरीका देख रहे हो, मोहम्मद बिन तुगलक, इट थ्रो लाइट ऑन द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इसराइल, इट थ्रो लाइट, यानी कि इसी तरीके के जो की वर्ड्स होते हैं आपको अपने मीन्स में यूज करने हैं, राइट। हम नॉर्मली भी बोल सकते थे कि इट टेल्स अबाउट द सोशो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ हिज रेन और हिज टाइम, ऐसे बोल सकते थे, पर थ्रो लाइट करना एक थोड़ा सा ना प्रोफेशनल से वर्ड लगते हैं तो एक अलग ही इम्पैक्ट डालते हैं। ओके नहीं मोरक्को से हैं, लेकिन वो वहाँ एक्चुअली अरब ट्रेवलर भी हैं और मोरक्को से एडवेंचरर उन्होंने किया है और फिर वो इधर आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल डज नॉट बिलोंग टू द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर में कौन सा टेम्पल बिलोंग नहीं करता वो आपको बताना है। बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ और एरावतेश्वर। सो नॉट पूछा है उन्होंने, ये चीज याद रखना। आंसर कीजिए, कौन सा जो टेम्पल है वो चोला एम्पायर से कनेक्ट नहीं करता, उसको बिलोंग नहीं करता। बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ, एरावतेश्वर। आरती अनुश्री, दर्पण यू आर राइट, कैलाशनाथ। दिस टेम्पल वॉज नॉट बिलोंग टू द चोला एम्पायर। ओके उनकी आर्किटेक्चर से, चोला एम्पायर से ये कैलाशनाथ जो है वो बिलोंग नहीं करता।
बृहदीश्वर टेम्पल है तांजोर में है, ये राजा राजा चोला वन ने बनाया था इनको। कोरंगना जो टेम्पल है वो श्रीदी वसनलूर में है, और पारन तक चोला है उन्होंने इसको बनाया था। ऐरावतेश्वर टेम्पल है ये दारासुरम में है, और राजा राजा चोला टू ने इसको बनाया था। ओके, सी इज द राइट आंसर। जी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैजर फॉलोइंग करनी है, थिएटर है और इधर लोकेशन है, थिएटर को उनकी लोकेशन के साथ आपको मैच करना है। बवाई, दशकटिया, जात्रा, करेलिया। लोकेशन है HP, गुजरात इन राजस्थान, ओडिशा, और इधर है ईस्टर्न इंडिया। ABCD विद द मैच यू हैव टू थ्री 1 2 3 4। सो बताइए, मैच द फॉलोइंग करो। थिएटर हमने किए थे, थिएटर कहाँ कहाँ कौन कौन से परफॉर्म करे जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। ओके, यू आर सेइंग सी और डी। भवाई गुजरात में है। चलिए, आप सब आंसर करो, फिर हम राइट आंसर देखते हैं। कोई बात नहीं अनुश्री, आंसर दे रही हो आप, इंटरेक्टिव हो क्लास में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ओके, सो इस राइट आंसर इज सी। भवाई जो है वो है आपका गुजरात और राजस्थान दोनों में ही ये परफॉर्म किया जाता है थिएटर। जो दशकटिया है दैट इज इन ओडिशा। जात्रा जो है आपको ये ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, और करेलिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का ही एक हिस्सा है, और वहां पर ही इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो सी इज योर राइट आंसर। व्हाट वॉज द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ संस्कृत थिएटर? संस्कृत थिएटर के डिक्लाइन होने का, खत्म होने का क्या कारण है? एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स, कन्फाइनमेंट ऑफ संस्कृत टू द रिलीजियस फेयर, डाइवर्जेंस टुवर्ड्स पोइट्री, एंड लास्ट वन इज ऑल द अबव। सो क्या ये तीनों है, कोई एक दो है, क्या है ये? ओके, चलिए, अच्छा है दर्पण, आपको इंफॉर्मेशन है तो आपको याद रहेगा, ये चीज हेल्प करेंगी। सो आरती से डेट डी इज द राइट आंसर। संस्कृत थिएटर खत्म होने का कारण इनमें से क्या है? वेलकम अंकित। चलिए, सो डी इज द राइट आंसर। मुस्लिम रूलर के आने की वजह से, और संस्कृत को एक रिलीजियस स्फीयर मानने की वजह से, पोइट्री की ओर मूव ऑन करने की वजह से, और अगर हम करंटली बात देखें तो नॉलेज की वजह से, संस्कृत की नॉलेज आजकल किसी को नहीं होती, बहुत कम रेयर मिलती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। तो ये सारे जो रीजन है, इन सभी वजह से जो ये थिएटर होते हैं सबका डिक्लाइन हो रहा है। ओके मेगा, नो इश्यू, आप इसको बाद में देख लेना क्लास को, मैं क्लास का लिंक जो है टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, विच एग्रीकल्चर फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़? नुआखाई, जुहार, पोंगल, लोहड़ी और बिहू। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कौन से एग्रीकल्चर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सो आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए।
यस तो ए इज द राइट आंसर। नुआखाई एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और जब क्रॉप कटने को होती है तो खुशी में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जीत आई थिंक इट इज योर फर्स्ट क्लास, दैट्स व्हाई आप इसको आंसर गलत कर रहे हो। ए इज द राइट आंसर, नोआ के ए इज द नुआखाई जुहार ही एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और इसको ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बिल्कुल हाँ, वैसे भी इसको कनेक्ट एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो। ओके सो इट इज अ सेलिब्रेटेड टू वेलकम द न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन। नोआ मतलब नई और खाई मतलब खानी है, तो क्रॉप ही तो खाएंगे। सो नया सीजन जब क्रॉप का आता है तो उस टाइम इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली जो क्रॉप होती है वो वहाँ के लोग गॉडेस समलेश्वरी को अर्पित करते हैं। ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यक्षगान। यक्षगान के बारे में एक नई स्टेटमेंट है, इन दोनों में से राइट कौन सी है वो बताओ। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन विच इज प्रेवलेंट इन द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। आपको रॉन्ग कोर्ट बताना है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। ओके यस सर, जीत इसीलिए आपका क्वेश्चन वो गलत हुआ। आप ये क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए पूरी सीरीज ऑलरेडी हमने लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर कर लिए हैं। चलिए आज चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, वहां से पहले सारे टॉपिक कर लो और इस क्लास को फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, सो दैट रियली हेल्प यू। सब क्वेश्चन टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। चलिए रोंग कोड बताना है यक्षगान के बारे में। क्या है यक्षगान? ओके सी बी और डी। सी भी है, बी भी है और डी भी है। चलिए इस राइट आंसर इज डी, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। यक्षगान जो है एक तो पहली बात कर्नाटक का है, ठीक है, और ये ड्रामा डांस सब कुछ है। आप इसमें देखो ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, है ना, कुछ इनकी एक्टिंग से देखने को मिल रहा है। यक्ष मतलब डेमी गॉड और गाना मतलब गाना, यानी कि गॉड को ये अर्पित करते हैं, गाना गा के परफॉर्मेंस करते हैं। और ये अलग अलग कंपोजिशन पर जो है स्टार्ट होती है। खास बात इसमें यह है कि जब तक अगर एक्टर स्टेज पर नहीं आ जाता तब तक ड्रम को बीट किया जाता है। परफॉर्मेंस यूजुअली डिपिक्ट ए स्टोरी फ्रॉम द इंडियन एपिक्स और पुराणास, मतलब रामायण और महाभारत की जो कथाएं होती हैं वो डांस करके परफॉर्म की जाती है। यस थिएटर फॉर्म नहीं, बी नहीं है ना, दैट इज डी। इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। विच इज नॉट करेक्टली मैस्ड, पवा कूथू, रावण छैया, तुंडाए, कठपुतली, इधर एक ग्लो पपेट, शैडो पपेट, रॉड पपेट या सिंह पपेट। सो रॉन्ग आपको मैच बताना है कि रॉन्ग मैच क्या है। यस पपेट हैं ये सारी, उनके टाइप हैं। और किस टाइप के, लाइक ग्लो पपेट का क्या ये है या शेडो का ये बनाया जाता है, रोड पपेट को कुंडाए बोलते हैं, सिंह को कठपुतली इसका एक फॉर्म होता है, वो चीज़ आप मुझे बताइए। ओके अंकित, आई वॉज थिंकिंग कि आप अभी एग्जाम ही देने वाले हो 20 का। ये सेंट फ्रांसिस, इसमें हम जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कर आर्ट एंड कल्चर की पूरी सीरीज हमने कवर कर ली है। एट लास्ट ऑफ द क्लास अब हम इसके सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं ताकि आपकी सारे आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कवर हो जाए। योर सेइंग सी इज नॉट करेक्टली मैच आकाश। चलिए तो इस राइट आंसर इज सी, रॉड पपेट कुंडाई नहीं है।
बाकी कठपुतली जो होती है वो स्ट्रिंग पपेट होती है। शैडो पपेट में अगर देखा जाए तो रावण शैया को उसको परफॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं। ग्लोव पपेट में बाबा खुद्रू होता है। ओके चलिए, नेम द मार्शल आर्ट अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर। ये कुछ फीचर है और मार्शल आर्ट का नाम आपने देना है। दर्पण यू विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। स्वॉर्ड एंड स्पीयर आर द टू मेन एलिमेंट यूज इन दिस आर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज वेन अलोंग। इसको वेन अलोंग भी बोला जाता है। दिस आर्ट इज ए रिचुअलिस्टिक इन नेचर एंड लिंक्ड विद द तांत्रिक प्रैक्टिस। राइट कोड आपको बताना है। चेबी गद्दा, थंगटा, सिलंबम या परिखाना। चलिए आप आंसर कर लीजिए, बताइए विच इज दिस मार्शल आर्ट। कौन सी मार्शल आर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ऊपर। इसमें स्वॉर्ड और स्पीयर दो मेन एलिमेंट होते हैं। इसको वेना लॉन्ग भी बोला जाता है। ये एक रिचुअलिस्टिक है और तांत्रिक प्रैक्टिस से लिंक्ड भी है। आर्टिस्ट सेड दैट इट इज थांगटा। ओके चलिए, बी को मैंने मार्क कर लिया है। आप सब आंसर करो। मेघा, अनुश्री, सो इट्स राइट आंसर इज कांगटा। यही वो आर्ट है जिसमें कहाँ पे होती है कांगटा वो भी बताइए मुझे। इसी आर्ट में स्वॉर्ड और स्पीयर दो एलिमेंट होते हैं, उनको यूज करा जाता है, वेन अलोंग बोलते हैं, और इस आर्ट को तांत्रिक प्रैक्टिस से भी कनेक्ट किया जाता है। ओके, रिसेंटली 33rd फाउंडेशन ऑफ ट्राइफेड वॉज ऑब्जर्व ऑन द 6th of August 2020। 6 अगस्त को हमने ट्राइफेड का 33rd फाउंडेशन बनाया था, सेलिब्रेट किया था। विच इज ट्रू अबाउट द ट्राइफेड। ट्राइफेड के बारे में दो तीन स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताइए विच इज द ट्रू वन। जी बिल्कुल, थांगटा सिक्किम में, मणिपुर में। हाँ मणिपुर में है। यस रंजीत यू आर राइट, सिक्किम का नहीं है दर्पण। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1987। इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इट इज ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी टू ब्रिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स ऑफ द कंट्री एंड द लास्ट वन इज ओला ट्रू। रंजीत आंसर कीजिए। अच्छा ओके, आप सब डी आंसर कर रहे हो। हेलो आकाश, यस अनुश्री, मणिपुर की है तांगटा और इसकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। मणिपुर। सो ट्राइफेड 1987 में बना था और ट्राइबल अफेयर के मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है और एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है टू ब्रिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स ऑफ द कंट्री। सो डी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपन पेंटिंग। एपन पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था ना। ये आकाश, डी इज द राइट आंसर। एपन पेंटिंग के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। द एपन पेंटिंग वॉज मेड ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर्स ट्रेडिशनली। रेड एंड व्हाइट आर द ओनली टू कलर्स वर यूज इन इट। ट्राइबल बिलीव दीज पेंटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून एंड वर्ड्स ऑफ एविल। Currently, Project Apen was started in Assam to revive this one, to revive this Apen painting. So, answer कीजिए। Apen painting हमने इसको cover किया था। दर्पण, इस साल आपका एग्जाम
डेफिनेटली आप ये फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो क्या? फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है क्या ये आपका? ये सकाश अनुश्री आर दी आंसर इट। ओके आरती से दैट इज द राइट आंसर, रंजीत से बी इज द राइट वन, एंड दर्पण से डी इज द राइट आंसर। सो गाइस इट्स राइट आंसर इज डी, क्योंकि ये असम में नहीं उत्तराखंड में होता है। हमने देखो इसकी मैंने एक्चुअली ऐड नहीं किया है, वो पेंटिंग कुछ इस तरीके से बनी थी और हमने इसको याद ऐसे किया था कि इस तरीके की जो कैप होती है वो उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो उस पेंटिंग को मतलब उस तरीके की कैप को पहनते हैं और उस कैप पे ऐसी पेंटिंग होती है, तो वो उत्तराखंड का था। यहाँ असम हमने मेंशन किया है, वो गलत है। ओके सेकंड है, हो जाएगा। इस बार आपने देखो हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से दिया है, इवन सिर्फ आंसर नहीं किया है उसके साथ अलग से इंफॉर्मेशन भी आपको याद है पता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। यस दी इज द राइट आंसर। मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज से ये तीनों जो है रिलेटेड है? सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्वेद से या ऋग्वेद से? यस अनुश्री यू आर ऑल्सो राइट, ये उत्तराखंड का था। सो ये तीनों जो चारों आप यहाँ देख रहे हो ये किस चीज से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्वेद से या ऋग्वेद से? सी। ओके okay. ओके आरती यू आर सेइंग डी इज द राइट आंसर। दर्पण गाइस एक्चुअली कुछ इश्यू हो गया है, क्लास ओवर हो गई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और चलिए क्लास को ओवर करते हैं। इस राइट आंसर इज सी। ओके हाउ इज योर क्लास गाइस, कैसी क्लास लगी आज की? सभी टॉपिक और क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए या नहीं? थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द क्लास, एक्चुअली बीच में रुक गई है, टाइम भी ओवर हो गया है, क्लास को ओवर करते हैं। सो चलिए क्लास को ओवर करते हैं, और अगर जितना आपसे हो सके टेलीग्राम के यूपीएससी जो ग्रुप होते हैं यू कैन शेयर माई योर क्लासेज ऑन ऑल दैट राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। और आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन अकेडमी अंकिता जिंदा।